हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें शंकर जी शर्मा का लॉक इन पीरियड हो चुका है ख़त्म और सब लोगों के मन में टेंशन है कि अगर उन्होंने शेयर बेच दिए तो क्या होगा। और शंकर जी शर्मा ने आज ट्वीट कर कुछ हिंट दी है कि वो शेयर बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, उसके बारे में आइए उसके बारे में जानते हैं, जो कि आज का ही ट्वीट है। ये ट्वीट बताने के पहले, शंकर जी शर्मा का बयान बताने के पहले आपको बता दूँ, अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। जैकपॉट शेयर आज जो दिया था वो गया 20% अप, कल के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है, आप ट्राई कर सकते हो 9545850000 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स जैकपॉट शेयर क्विक प्रॉफिट देता है, आपके पोर्टफोलियो के लॉस को रिकवर करने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स काफ़ी बातें हैं, ब्राइटकॉम ग्रुप में गिरावट लगातार चल रही है और सबके मन में टेंशन है कि शंकर जी शर्मा क्या करेंगे, शंकर जी शर्मा क्या कहेंगे, इस पर सबकी नज़र होती है, क्योंकि उनका अच्छा खासा होल्डिंग है और वही एक सुपर इन्वेस्टर है जो ब्राइटकॉम ग्रुप में इन्वेस्टेड है। तो उन्होंने आज ट्वीट कर बताया कि उनका सबसे बड़ा जो फर्स्ट लॉस था वो था ईयर 1998 में, जब उन्होंने इंडिया की IT कंपनियों को शॉर्ट किया था, ये सोचकर कि उनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, वो गिरेंगे और गिरने के बाद मुझे फ़ायदा होगा, ऐसा सोचकर उन्होंने शॉर्ट किए इंडियन IT कंपनीज़ को और हो गया उल्टा, वो शेयर सब ऊपर भाग गए और उनको ज़बरदस्त लॉस हुआ, ऐसा उन्होंने ट्वीट कर कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस मिस्टेक से मैंने सीखा और स्टडी किया कि मेरे से क्या गलती हुई है और आगे उस गलती को मैंने सुधारा अपने लाइफ में, ऐसे ही इन्वेस्टिंग करना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, ऐसा उन्होंने ट्वीट कर बताया। उसके ऊपर एक ब्राइटकॉम ग्रुप का दुखियारा था, उसने ट्वीट कर उसका जवाब दिया, सर आई थिंक यू आर इन बिग लॉस इन ब्राइटकॉम ग्रुप एज वेल, मतलब सर आपको मेरे हिसाब से ब्राइटकॉम ग्रुप में भी बहुत लंबा चौड़ा लॉस हो रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। तो उन्होंने जवाब दिया शंकर जी शर्मा ने, पेपर लॉस पे क्या रोना धोना भाई, मतलब भाई पेपर पर लॉस है, अभी लॉस बुक कहाँ किया है, मतलब एक तरह से शंकर जी शर्मा ने हिंट दी है कि अभी तक मैंने लॉस बुक नहीं किया है, ना ही मैं करूँगा, मतलब उनका रेट जो है बाइंग का 22.50 रुपये है, 22.50 रुपये है, और उन्होंने कहा है कि पेपर लॉस ही है, मतलब अभी तक लॉस बुक कहाँ किया है, मेरे अकाउंट में दिख रहा है, मेरे डीमैट अकाउंट में दिख रहा है, एक्चुअल लॉस तो मुझे कुछ हुआ नहीं है, उसे पेपर पे दिख रहा है लॉस, तो उसको लॉस नहीं कहते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन ये दिख रहा है कि वो लॉस में निकलने वाले नहीं हैं, ब्राइटकॉम ग्रुप को बेचने वाले नहीं हैं, तो लेट्स होप कि वो ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक उनका रेट नहीं आएगा और या उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा वो लॉस बुक नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात बोली उन्होंने, मतलब उनको अभी भी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं शंकर जी शर्मा कि भाई कंपनी का जो शेयर है उसका रेट बाउंस होगा और उनका रेट मैच होगा या हो सकता है वो प्रॉफिट में निकले, ऐसा वो कॉन्फिडेंसली बोल रहे हैं, मतलब वो लॉस बुक नहीं करेंगे और हो सकता है उनको कॉन्फिडेंस होगा कि आने वाले दिनों में ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर प्रॉफिट दे के जाएगा, ना कि लॉस देकर जाएगा, हो सकता है उसके लिए 2-4 महीने उनको होल्ड करने पड़ेगा तो वो करेंगे भी, ऐसा ही इंडिकेशन उन्होंने इस ट्वीट के जवाब से दिया है कि पेपर लॉस पे क्या रोना धोना, मतलब अभी तक लॉस हुआ नहीं है और लॉस बुक किया नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि वो लॉस बुक ना करें। सो लेट्स होप कि शंकर जी शर्मा बने रहे, ऑन द कॉन्ट्ररी शंकर जी शर्मा और शेयर बाय करें तो उससे ज़बरदस्त तेजी आ सकती है शेयर्स में, क्योंकि लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि शंकर जी शर्मा बाय कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बाय कर रहे हैं, ऐसे हम आशा करते हैं, और वो बाय ना करें पर कम से कम बेचे नहीं, यही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और देखते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर किस न्यूज़ से घूमता है, कल मीटिंग है, मैंने पहले इसके पहले का भी एक वीडियो डाला है, वो ज़रूर जाकर देखना, कल के मीटिंग में एक बड़ा धमाका भी हो सकता है। और फ्रेंड्स कल के लिए कल चाहिए जैकपॉट शेयर तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछिए 9545850000 इस नंबर पर। थैंक यू फ्रेंड्स।